साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। झांसी जनपद के कस्बा बबीना में चर्च रोड पर स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम की बबीना शाखा का शुक्रवार को 25वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ शाखा के भाई बहनों द्वारा मनाया गया। शाखा के स्थापना दिवस के साथ साथ ब्रह्म कुमारी की संचालिका बी के नशा बहन का शिव समर्पण दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों माताओं बहनों तथा भाइयों ने एकत्रित होकर परमात्मा शिव का ध्यान व पूजन कर सत्संग का लाभ लिया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी बबीना के संरक्षक बी के सुधांशु आसू ने कहा कि जिस प्रकार कलम झुकती है इसीलिए साफ लिखती है, इसी प्रकार हमारे जीवन में थोड़ी सी नम्रता हो तो हमारा जीवन साफ सुथरा हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सभ्यता और सहयोग की भावना बनाए रखना चाहिए। वहीं ब्रह्म कुमारीज की राजगढ़ शाखा से पधारे राम कुमार ने कहा कि यह सुख शांति धाम बबीना के लिए एक प्रेरणा है। बबीना क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी शाखा सुख शांति धाम के द्वारा पिछले 25 वर्षों से मानव कल्याण की सेवा की जा रही है, जो अपने आप में अनूठी और प्रेरणादायी है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्म कुमारी शाखा बबीना की संचालिका बी के नशा बहन के पिता पंडित गौरी शंकर महाराज ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित लोगों का तिलक किया और बधाई दी। इस अवसर पर कस्बे के वरिष्ठ पत्रकार गोविंद यादव, संजीव सोनी तथा मानव अधिकार एसोसिएशन के संतोष साहू, पूर्व प्रधान बबीना रूलर सुधीर यादव, जगदीश साहू, मदन गुप्ता, श्रीराम अग्रवाल, अखेराज राय सिंह, ब्रजकिशोर राय, विकास धीरज, विनोद रोहित, अनिल बल्लू, कपिल यादव, दीपक यादव, विजय गुप्ता, रामगोपाल, सुदामा पुरुषोत्तम आदि लोग मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाजत, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।